गाइज, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है तो आपको ज़रूर पता होगा कि हमारे फ़ोन पे अचानक कभी कभी बहुत ही इरिटेट वाला ऐड आ जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि अचानक ये जो ऐड आ जाता है, जो हमारे होम स्क्रीन पर जो मतलब ऐड शो होता है, इस ऐड को अचानक बंद कैसे करेंगे, वो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। सिर्फ आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, हमारे फ़ोन के अंदर एक ऐसा सेटिंग्स है जिस सेटिंग्स को अगर आप ऑन करेंगे तो ये जो ऐड जो अचानक आता है, अचानक जो हमारे फ़ोन पर जो ऐड शो करता है ना, ये ऐड कभी भी दूसरा बार हमारे फ़ोन पे हमारे स्क्रीन पर कभी भी कोई भी ऐड नहीं आएगा। ठीक है, जो सेटिंग्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस आपको ये सेटिंग्स ऑन कर देना है। ठीक है, जब भी आप ये सेटिंग्स ऑन कर देंगे फिर क्या होगा कि आपका जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे कभी भी कोई भी ऐड नहीं आएगा। ठीक है, ये 100% वर्किंग है। आप लोगों को मैं सीधे सेटिंग्स पर ले जाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐड हटाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हमारे फ़ोन का जो सेटिंग्स ऑप्शन है, आपको सेटिंग्स ऑप्शन पर आ जाना है। ठीक है, तो मैं जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन पर गया, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है कि DNS कहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से ढूंढ लेना है कि DNS कहाँ पे लिखा है। अगर आपको यहाँ पे ढूंढ कर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर में आपको सर्च बार मिलेगा, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है DNS। ठीक है, ये सारे फ़ोन में रहता है गाइस, ऐसा एक भी फ़ोन नहीं है जहाँ पर ये प्राइवेट DNS का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट DNS वाला ऑप्शन जो है, ये यहाँ पर आपको टैप करना है। तो जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे फिर क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है प्राइवेट DNS। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे प्राइवेट DNS वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप सबके फ़ोन में क्या होगा गाइज, ये जो ऑप्शन है ये हमेशा यहाँ पे ऑफ रहता है, ऑफ रहता है ना, ये सबके फ़ोन में ऑफ रहता है, तब भी हमारे फ़ोन पे अचानक ऐड आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे जो ऑफ है ना, इसे आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, तो यहाँ पे आपको टैप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे नीचे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको लिखना क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा है ना सेम टू सेम यही आपको लिख लेना है। ठीक है, DNS.adguard.com ये बस आपको लिख लेना है। ठीक है, ये आपको लिख लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो जब भी आप सेव कर देंगे, आपके सामने आपके मोबाइल पे आपके होम स्क्रीन पे कभी भी कोई भी ऐड और दोबारा नहीं आएगा जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आपका अगर ये ऑन ही है तो आपके सामने यहाँ पे ऐड क्यों शो किया है ना, तो यहाँ पे जो मैंने पहले ही दिखाया है कोई ऐड नहीं था, ये क्रोम ब्राउज़र से मैंने दिखाया था ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो कि यहाँ पे मतलब ये ऐड कभी कभी अचानक आ जाता है, लेकिन मेरे फ़ोन पे कभी भी ऐड नहीं आता है। ठीक है, अगर आप लोगों की फ़ोन पे ऐसे ही ऐड आ रहा है तो आप ऐसे करके कोई भी जो अन इरीटेट वाला जो ऐड होता है, जो हमारा बहुत मतलब इरीटेट करता है, परेशान में डालते हैं, ये वो सारे ऐड को आप हटा सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो आप मतलब ये वो ट्रिक्स अगर आपके साथ वर्क करे तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।